जियो रिचार्ज महंगा होने से परेशान ग्राहकों को मिलेगी राहत। जियो ने रिचार्ज प्लान में किया बदलाव। टेलीकॉम मार्केट में फिर सुर्खियों में छाया जियो। जियो के महंगे होते ही हर जगह इसकी चर्चा उठने लगी और लोगों ने इस पर खूब नाराजगी भी जताई। आम इंसान पर पड़ रही महंगाई की मार के बीच जियो के दाम बढ़ाने का फैसला जियो ग्राहकों को पसंद नहीं आया। लेकिन जियो के नए ऐलान से काफी कुछ बदलने वाला है और यहाँ अब ग्राहकों को थोड़ी राहत भी मिलेगी। रिचार्ज प्लान्स बढ़ाने के बाद अब जियो लगातार अपने यूजर्स के लिए नए नए ऑफर लेकर आ रहा है। जियो ने अब अपने करोड़ों यूजर्स के लिए एक धमाकेदार ऐलान किया है। रिलायंस जियो ने अपने प्री पेड यूजर्स के लिए 3 नए सस्ते रिचार्ज प्लान्स पेश किए हैं। जियो के तीनों नए प्लान्स यूजर्स को फ्री कॉलिंग और डेटा की सुविधा तो देंगे ही, साथ ही OTT स्ट्रीमिंग का भी फायदा मिलने वाला है। जियो ने प्राइस हाइक के साथ ही अपने पोर्टफोलियो में बड़ा चेंज कर लिया। कंपनी ने कई सारे ऐसे प्लान्स को लिस्ट से हटा दिया था जो यूजर्स को OTT प्लेटफॉर्म ऑफर्स करते थे। अगर आप जियो का सिम इस्तेमाल करते हैं और ऐसा प्लान तलाश कर रहे हैं तो जिसमें कि कॉलिंग, डेटा, OTT जैसी सारी सुविधाएं मिल सके, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जियो अपने लिस्ट में जो नए प्लान जोड़ चुका है उनकी कीमत 329, 939 और 1039 रुपए है। तीनों ही प्लान्स में आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार, सोनी लिव और G5 जैसे OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में मिल जाएगा। वही बात कर लेते हैं कि जियो के नए प्लान्स की जानकारी डिटेल क्या है। रिलायंस जियो ने हाल ही में रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए। टैरिफ की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद लोगों की जेब पर बोझ पड़ गया। हालांकि जियो के एक फैसले ने यूजर्स को बड़ी राहत दे दी। टेलीकॉम कंपनी ने 349 रुपए वाले रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी बढ़ा दी है। अब इस प्लान को खरीदने पर आपको पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, जहां अब तक 28 दिन में इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती थी। अब वही रिचार्ज 2 दिन और चलेगा, यानी कि 349 रुपए वाले प्लान की वैलिडिटी बढ़ाना ग्राहकों को अपनी तरफ बनाए रखने के लिए एक अहम कदम हो सकता है। जियो अब इस प्लान को हीरो 5G के नाम से लॉन्च कर रही है। रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी बढ़ाना एक बड़ा बदलाव है। कंपनी के मुताबिक कस्टमर फीडबैक के आधार पर वैलिडिटी को बढ़ाया गया। जियो ने डेली, मंथली और सालाना प्रीपेड और पोस्ट पेड प्लान की कीमतों में इजाफा किया, लेकिन 30 दिन तक वैलिडिटी का बढ़ाना जियो यूजर्स को थोड़ी राहत देने का काम है। वही रिलायंस जियो के 349 रुपए के रिचार्ज प्लान में फेरबदल के बाद यूजर्स को अब 28 की जगह 30 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। पहले इसे रिचार्ज को कराने पर केवल 28 दिन तक की वैलिडिटी मिलती थी। हर दिन 2 GB डाटा को बरकरार रखा गया, लेकिन वैलिडिटी बढ़ाने से अब आपको कुल 60 GB डाटा मिलेगा। पहले ये केवल 56 GB डाटा था। बीते महीने रिचार्ज प्लान महंगे करने के बाद कई प्लान के दाम बदल दिए गए। 1 GB डेटा प्रतिदिन वाले प्लान की कीमत 209 रुपए से बढ़ाकर 249 रुपए कर दी गई।